हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पक्षी की जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये पक्षी देखने में जितना सुंदर है दोस्तों उतना ही खतरनाक है। इस सबसे पहले तो मैं इसके नाम के बारे में बात करता हूं। वैसे दोस्तों, हमारे यहाँ लोकल भाषा में तो इसको हुक्का बोलते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ हुक 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 जैसी आती है, लेकिन इसको हिंदी में महोक पक्षी या ग्रेटर कोकल कहते हैं। इंग्लिश में ग्रेटर कोकल कहते हैं इसको। अब इस ये खतरनाक क्यों माना जाता है ये आपको सुनाता हूँ मैं। देखो दोस्तों, इसका जो भोजन है ना, इसका भोजन है स्नेक्स, मॉनिटर लेजर्ड, बड़ी बड़ी छिपकलियों को खा जाता है। बहुत खतरनाक जानवर है दोस्तों। इसको कभी कभी आप इंटरनेट पर डालोगे रेड एंड ब्लैक बर्ड, तब भी इसके पिक्स और इसके वीडियोज आ जाएंगे। गाइज, इसका जो मोस्टली टाइम है, यानी कि दिन में ये जितने टाइम पे भोजन करता है, हालांकि उड़ने वाला पक्षी है और सर्वहारी है, यानी कुछ भी खा सकता है, लेकिन पसंदीदा भोजन है इसका स्नेक्स और छिपकलियां हैं। वैसे मेंढक भी बहुत अच्छे तरीके से खा लेता है, यानी कि भोजन तलाश करते समय इसका मोस्टली टाइम, यानी कि 60% टाइम जमीन पर ऐसे पैदल घूमते हुए मिल जाएगा आपको। यानी कि ये पेड़ों में उड़कर अपना भोजन नहीं तलाशता, ये जमीन पर ऐसे पैदल चलता रहता, जबकि बहुत अच्छा उड़ने वाला पक्षी है, झाड़ियों में ऐसे दीवारों के साथ घूमता रहता है। गाइज, किसान का इसको दोस्त इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटे मोटे स्नेक्स जो होते हैं उनको बिल्कुल चट कर जाता है। आपने यदि आप कभी भी इसकी आवाज़ सुनी होगी तो दोस्तों, इसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे पहले कभी इंजन, जो पहले कोयले के जो इंजन आते थे गाड़ी के, ट्रेन के, वैसे हुक हुक की आवाज़ करता है, जैसे कई बार हमने देखा है पिक्चर्स में, उसमें तो ऐसी आवाज़ निकाल जाती है ट्रेन को दिखाने के लिए, तो सेम वैसी आवाज़ करता है इसकी। अगर आप सर्च करते हो वीडियो चैनल जाके उस पर इंटरनेट पे, तो रेड आई बर्ड भी लिख सकते हो। इसकी आंखें बिल्कुल रेड होती हैं, क्योंकि ये जितने भी ताज़ा जानवरों को शिकार करता है ना, उसका ब्लड सबसे पहले पीता है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको पालतू भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो पक्षी जब भी स्वतंत्र होता है उड़ जाता है। आपने बहुत सारे पक्षी ऐसे देखे होंगे पालतू बना के रखते हैं लोग, लेकिन जैसे ही पिंजरे से बाहर आते हैं वो आसमान में उड़ जाते हैं। ऐसे ही सेम ये पक्षी है। हम इसको ब्लैक एंड रेड कौवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी बनावट सेम कौवे जैसी है, लेकिन इसकी आवाज़ बिल्कुल भी कौवे जैसी नहीं है दोस्तों। अगर ऐसे पक्षियों की जो बहुत कम नज़र आते हैं या उनकी ज़्यादातर हमें जानकारी नहीं है, वो आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, मैं और पक्षियों की जानूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।